दोस्तों फाइनली Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro की लॉन्च डेट अनाउंस हो चुकी है। ये दोनों ही फोन 29 अगस्त को लॉन्च किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 8 Pro के बारे में। चाइनीज वेबसाइट Vivo पर इस फोन का टीजर जारी किया जा चुका है और कुछ दिनों पहले ही इस फोन के रेंडर्स भी आ चुके हैं। Redmi Note 8 Pro के लॉन्च होने से पहले ही इस फोन के कुछ इमेज लीक होकर सामने आ चुके हैं। ये फोन Redmi Note 7 Pro का अपग्रेड होगा और इस फोन को Redmi Note 7 Pro से काफी ज्यादा बेहतर बताया जा रहा है। Redmi Note 8 Pro का मेन हाइलाइटिंग फीचर होगा इसका कैमरा, तो काफी कमाल का कैमरा इस फोन में दिया गया है। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से इस फोन के लीक्स और रूमर्स आना स्टार्ट हो गए थे। अब इस फोन के कुछ नए लीक्स सामने आए हैं जिनको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस फोन की डिटेल इस वीडियो में। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। इस फोन में जो डिस्प्ले दिया गया है वो है फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जिसका साइज होगा 6.39 इंच का और रिजोल्यूशन होगा 1080x2340 मेगापिक्सल का। ये डिस्प्ले होगा फुल व्यू डिस्प्ले जिसमें काफी कम बेजल नजर आएंगे और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 7 Pro से ज्यादा होगा। इस फोन में दिया जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फोन के फ्रंट और बैक पैनल पर दिया जाएगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन। इस फोन में दी जाएगी 4500 mAh की बैटरी जिसको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा और USB टाइप सी का सपोर्ट भी इस फोन में दिया जाएगा। ये फोन आएगा क्वाड कैमरा सेटअप के साथ जिसमें प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का। इसमें सैमसंग का आइसोसेल ब्राइट GW1 सेंसर दिया गया है, तो काफी कमाल का कैमरा सेंसर इस फोन में दिया गया है जिसके द्वारा आप लो लाइट में भी अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे। और जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो होगा 8 मेगापिक्सल का और जो तीसरा कैमरा होगा वो होगा 5 मेगापिक्सल का और जो चौथा कैमरा दिया जाएगा वो होगा 2 मेगापिक्सल का। और सेल्फी के लिए इस फोन में दिया जाएगा पॉपअप सेल्फी कैमरा जो होगा 25 मेगापिक्सल का और डुअल नैनो सिम स्लॉट के साथ 3.5 mm का ऑडियो जैक भी इस फोन में दिया जाएगा। और ये फोन रन करेगा एंड्रॉइड 9 बेस्ड MIUI 10 पर। इस फोन में जो प्रोसेसर दिया जाएगा वो होगा MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.05 GHz की और इसमें जो GPU दिया गया है वो है Mali-G76। ये प्रोसेसर एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और गेमिंग के लिहाज से ये काफी अच्छा माना जाता है। इस फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। इसमें पहला होगा 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज और जो दूसरा होगा वो होगा 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज। और इस फोन का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो होगा लगभग 21,000 या 22,000 रुपए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।